तो भाई मूवी में हमें एक ऐसी टीचर की स्टोरी बताई गई है जो कि अपने ही स्टूडेंट के साथ घपा घप करती है, उसके साथ इंटीमेट होती है। और ये बात जैसे ही स्टूडेंट के बाप को पता पड़ती है तो वो भी उस टीचर के पीछे हाथ धोकर और जेब में गुब्बारा रख के पड़ जाता है। तो दोस्तों मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो और सबसे जरूरी वीडियो को एंड तक देखना। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एक और चीज, कान में लीड ठोक लो। तो हम देखते हैं कि यहाँ से अब मूवी स्टार्ट होती है और मिलिंडा को देखते हैं जो कि पेशे से एक टीचर है। हम देखते हैं कि लिंडा की जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा बोरिंग थी क्योंकि वो सिर्फ दो ही काम करती थी, सुबह बच्चों को पढ़ाना और शाम को घर आके बुक्स रीड कर। अब हम लोग देखते हैं कि एक दिन जो लिंडा होती है वो यहाँ पर कच्ची कली होती है, यानी कि वो वर्जिन थी, तो वो लड़कों से मिलती है पर कभी उसे लड़के पसंद नहीं आते तो कभी लड़कों को लिंडा। एक दिन लिंडा एटीएम से पैसे निकाल रही होती है तभी वहां से एक आदमी आता है जो लगता है उसे चोर है, पर वो आदमी चोर नहीं होता, वो लिंडा का एक पुराना स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है जेसन। वो जेसन जब उठता है तो लिंडा उसे माफी मांगती है, उसे अपनी कार में बिठाती है। अब दोस्तों जो लिंडा होती है वो जेसन से पूछती है कि तुम यहाँ शहर में क्यों आए, क्योंकि तुम तो यहाँ से बहुत पहले ही चले गए थे। तब यहाँ पर जेसन बताता है कि मैं अपने डैड से भागकर यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस संभालूं, पर मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे बुक रीडिंग में और राइटिंग में बहुत मेरी रुचि और मैं यही करना चाहता हूँ, मैंने एक प्ले भी लिखा है और मेरे डैड नहीं चाहते कि मैं उस प्ले को करूँ। तब दोस्तों जो लिंडा होती है वो जेसन से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उस प्ले को करने में क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट है राइटिंग एंड रीडिंग में। यहाँ पर हम देखते हैं जो लिंडा होती है जेसन को उसके घर। अब हम लोग देखते हैं कि अगले दिन जो जेसन होता है वो लिंडा को वही प्ले देने आता है उसके क्लासरूम में ही, और जब लिंडा उस दोस्तों उस प्ले को पढ़ती है तो वो प्ले लिंडा को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो उस प्ले को कार्ड को भी दिखाती है। अब कार्ड को भी वो प्ले पसंद आता है तो वो लिंडा के बाथरूम में ही घुस जाता है उसे ये बताने के लिए कि वो उसे कितना पसंद आया। अब ये लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं और वहां पर उनसे बात करते हैं इस प्ले के बारे में, और प्रिंसिपल उनके मुंह पर ही मना कर देती है और कहती है कि हम ये प्ले नहीं कर सकते क्योंकि एंड में इस प्ले में सब लोग मर जाते हैं। जो लिंडा होती है वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि हम इसे चेंज कर सकते हैं पर प्रिंसिपल नहीं मानती। हम लोग देखते हैं कि ये दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो लिंडा कहती है कि हम इस प्ले में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। वो ये सब कार्ड से कहती है और कहती है कि ये सब तुम किसी को नहीं बताओगे। अब उसी दिन लिंडा जेसन से मिलती है एक कैफे में और वहां पर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे प्ले को करूंगी, पर जेसन उससे कहता है कि मैं उस प्ले को नहीं करना चाहता क्योंकि वो मुझे बुरा लगता है। अब यहाँ पर जो लिंडा होती है वो जेसन से फोर्स करती है और कहती है कि सारा पैसा मैं दूंगी इस प्ले में जो भी खर्चा आएगा। हम लोग देखते हैं कि जो जेसन के डैड होते हैं वो वहीं पर कॉलेज में आ जाते हैं और वहां पर जेसन को ले जाने लगते हैं, पर तभी लिंडा आती है और वो जेसन को रोक लेती है क्योंकि वो जेसन को पसंद करने लगी थी। और दोस्तों लिंडा नहीं चाहती थी कि उसके डैड जेसन को उससे दूर करे। अब हम देखते हैं कि जेसन को पेट दर्द होने लगता है तो लिंडा उसे दवाई लेने के लिए जाती है, पर तभी यहाँ पर जेसन गलती से लिंडा को किस कर देता है जो कि लिंडा को भी बहुत अच्छा लगता है। अब ये लोग फ्लो फ्लो में यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं, घपा घप करने लगते हैं। तभी यहाँ पर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंडा ये सब रिग्रेट कर रही होती है जो कि उसने बीती रात करा था, और वो ये सब रिग्रेट करने के लिए उसका पछतावा हो रहा था। तो वो जेसन से इस बारे में बातें करती है और जेसन भी उससे कहता है कि इट्स ओके, ये सब नॉर्मल है। इसके बाद दोस्तों में दिखाया जाता है कि जो जेसन होता है वो एक लड़की के साथ यहाँ पर फ्लर्ट कर रहा होता है, पर यहाँ पर तभी उसे लिंडा देख लेती है और लिंडा उस लड़की को बुलाती है उस चीज की शिकायत करने के लिए। वो लड़की उस लिंडा की बातें नहीं मानती और वहां से चली जाती है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जेसन होता है वो उसी लड़की यानी कि लिली के साथ इंटीमेट हो रहा था, यानी कि घपा घप कर रहा था। तभी वहाँ पर लिंडा आ जाती है और वो उस लड़की से कहती है कि मैं तुम सब कुछ नहीं कहूँगी, मैं सीधा तुम्हें उस प्ले से निकाल दूंगी जिस प्ले में वो जेसन को रखने वाली थी। अब यहाँ पर जेसन लिंडा के पास आता है और कहता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और ये सब नॉर्मल है क्योंकि मैंने घपा घप तुम्हारे साथ भी करा था और मैं उसके साथ भी कर रहा हूँ। तब यहाँ पर लिंडा जेसन से कहती है कि तुम्हें अपने प्ले पर ध्यान देना चाहिए ना कि उस लड़की के छेद पर। तभी वहाँ पर दोस्तों एक लड़का आता है जो कि उन लिंडा की और जेसन की बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। अब ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि जेसन ने और टीचर लिंडा ने आपस में घपा घप किया था, और ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है और सारे लोग लिंडा को इस बात के लिए चिढ़ाने लगते हैं। अब यहाँ पर लिंडा देखते हैं कि जहाँ पर भी वो जाती है उसे अजीब अजीब चीजें लिखी आती हैं और वो इस चीज की शिकायत करने के लिए दोस्तों प्रिंसिपल के पास आती है, उनके रूम में आती है और उनको इस चीज के बारे में बताती है, पर वहां पर भी सब लोग हंसने लगते हैं उसके ऊपर कि ये सब तुमने क्या करा। यहाँ पर जो दोस्तों लिंडा होती है वो प्रिंसिपल से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। तो प्रिंसिपल लिंडा को लेकर जेसन के पास जाती है और लिली के पास जाती है, वो इन सब चीजों की पुष्टि करना चाहती है, इनकी कन्फर्म करना चाहती थी। वो यहाँ पर दोस्तों लिली के पास आती है पर लिंडा उन्हें रोकती है, पर प्रिंसिपल नहीं मानती। यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो लिली से पूछती है कि क्या तुमने ऐसा किया था, तो यहाँ पर लिली कहती है कि मैंने और जेसन ने नहीं बल्कि लिंडा ने और जेसन ने ये सब किया था। यहाँ पर जो लिली होती है वो यहाँ पर उस स्टूडेंट के द्वारा बनाई गई उस वीडियो टेप को भी प्रिंसिपल को दिखा देती है, जिसके कारण जो लिंडा होती है दोस्तों वहां से भाग जाती है। जो जेसन होता है वो यहाँ पर उन्हें प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था कि वो सब गलत है, पर प्रिंसिपल नहीं मानते और वो लिंडा को जॉब से निकाल देती है। लिंडा यहाँ पर रोती हुई अपनी कार में जाती है और उसका बैलेंस खो जाता है और वो एक पोल बूथ से टकरा जाती है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि जो लिंडा होती है वो एक हॉस्पिटल में आती है, वहां पर एडमिट होती है और वहां पर
पर जो डॉक्टर होता है वो और कोई नहीं जेसन का ही फादर होता है। यहाँ पर जो लिंडा होती है वो बहुत रोने लगती है और वो उसके फादर को उनके अफेयर के बारे में बताती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि लिंडा हॉस्पिटल से भी भाग आई है और यहाँ पर कार्ल का उसे कॉल आता है कि हमें अब जो प्ले था वो पूरा करना होगा, पर हम देखते हैं कि लिंडा उसे साफ मना कर देती है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि जो प्रिंसिपल होती है वो लिंडा के घर पे आती है और वो उससे कहते हैं कि जो कार्ल है उसे हार्ट अटैक आया है और हमें जो वो प्ले है वो हमें पूरा करना ही होगा क्योंकि हमने उसके 18,000 टिकट्स बेच दिए हैं और हमें नहीं पता कि एंड में क्या है और हम चाहते हैं कि तुम उसका एंड लिखो जिसके कारण तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो भी वापस आ जाएगी और तुम्हारी जॉब भी फिक्स हो जाएगी हमारे स्कूल में। अब लिंडा के पास दोस्तों और कोई जो ऑप्शन था वो नहीं बचता तो वो उस चीज़ के लिए हाँ कर देती है और हम देखते हैं कि जो लिंडा है वो अगले दिन स्कूल में आती है उस प्ले को लिखने के लिए। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लिंडा होती है वो कॉलेज में वापस जाती है और उस प्ले को पूरा करती है और जैसे ही वो प्ले स्टार्ट होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि जेसन और उसके डैड दोनों ही होते हैं। जैसे ही दोस्तों वो प्ले खत्म होता है सब लोग उस प्ले की इतनी तारीफ करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैपिंग उस प्ले के लिए बजती है। हम लोग देखते हैं कि जो जेसन होता है वहाँ पर उसे ये पता पड़ता है कि उसने जो प्ले की एंडिंग लिखी थी वो कुछ ठीक नहीं थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगले दिन जो लिंडा होती है वो लाइब्रेरी में बुक इशू करवाने के लिए जाती है जहाँ पर जेसन के फादर उसे मिलते हैं। अब जेसन के फादर तो जेब में गुब्बारा रख के डोल ही रहे थे तो वहाँ पर उन्हें भी लिंडा मिल जाती है और ये दोनों आपस में पैचअप की बातें करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दोस्तों यहीं पर मूवी एंड होती है और अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।